जंजर की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मांडर के विधायक ने शिल्पी नेहा तिर्की, जिनसे हम पॉलिटिकल सवाल तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन आज उनसे बहुत हल्के फुल्के सवाल पूछेंगे कि उनको खाने में क्या पसंद है और क्या कुछ उन्होंने एजुकेशन कहाँ से किया है। बहुत लाइट मूड में आज उनसे हम उनको इंटरव्यू लेंगे। बहुत होती है आज हमसे कुछ आपसे व्यक्तिगत और फ्रेंडली बातें करना चाहेंगे। आप इतनी यंग, ऐसा लगता है आपको, देखिए कॉलेज स्टूडेंट है, पहले बताइए आपने कॉलेज कहाँ से किया, आपने पढ़ाई कहाँ से किया, लोग जानना चाहते हैं। मैंने अपना बैचलर्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया और फिर मास्टर्स मैंने बॉम्बे जेवियर से कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग में किया। यंग मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा हूँ, दैट्स द रीज़न, बट अदरवाइज माई एज नंबर आई डोंट थिंक सो, आई एम टू यंग। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन से मतलब कभी आपने जॉब भी किया है, इसके बाद कहीं कोई कंपनी में किया था? हाँ, मैंने मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एज अ ब्रांड मैनेजर मैंने जॉब किया है कई सारे कंपनीज में। मोस्टली मेरा जो वर्टिकल था फैशन और फिनटेक में रहा है। आपके हस्बैंड भी लगता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं? मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, वो सेकंड इन कमांड इन शिप है। तो मैम आपका फेवरेट खेल या खाना क्या है? थोड़ा फेवरेट गेम और फेवरेट खाना क्या? एज स्पोर्ट्स मुझे बचपन से बास्केटबॉल बहुत पसंद है और फूड मुझे बहुत सिंपल फूड चाहिए, दाल चावल पसंद। झारखंडी कोई स्पेशल? झारखंड मुझे यहाँ का साग बहुत अच्छा लगता है, बहुत भथुआ साग हो गया, आपका पोई साग हो गया, बहुत सा तरह तरह का साग है, मुझे किसी भी दिन दे दो, मैं साग भात दाल मेरा बेस्ट है। जब बाहर बैंगलोर में थी तब झारखंडी खाना याद आता, कैसे रहती? बहुत मिस करती थी मैं झारखंड का खाना, क्योंकि यहाँ का जो फ्रेश वेजिटेबल्स है जो आपको इतना ईजिली अवेलेबल होता है, वहाँ पर बाहर भी वो मतलब कल्चर ही नहीं है, सारे आपको हाइब्रिड फूड मिल रहे हैं, आप कुछ भी खाओ उसमें कुछ वैसा टेस्ट नहीं है। तो बिल्कुल मैं तो घर का खाना बहुत मिस करती थी, गुड पार्ट है अब वो खाना इजीली एक्सेस है मुझे। नेहा जी, आप बैंगलोर से पढ़ी हुई, मुंबई जैसे महानगर पढ़ के आई है, वहाँ के बाद अभी भी आप जमीनी जड़ पे जुड़ के आप मांडर की विधायक बन चुकी है, ये जड़ तक आप जुड़ना आपके फादर से सीखी है कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने हमेशा ये वैल्यूज हम पे रखा है कि तुम कुछ भी बन जाओ, कुछ कितना भी पढ़ लो, तुमको अपना रूट्स नहीं भूलना है, और उनके साथ रोज दिन उठती बैठती हूँ, इतने बड़े इंस्पिरेशन है, तो एक तरीके से अच्छा लगता है। घर में ऐसा बचपन में लगता था हाँ पापा विधायक? नहीं, मैं बिल्कुल, जो मेरे फ्रेंड्स हैं और बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं वो इस बात को जानते भी है, बहुत लोग इनफैक्ट रांची में कुछ मेरे अभी जो न्यू फ्रेंड्स बने हैं वो उन्हें पता भी नहीं था कि बंधु तिर्की मेरे फादर हैं, तो ये बात उनके लिए बहुत बड़ा एक खुलासा था। तो इस तरह से मैंने हमेशा से आई हैव मतलब मैं अपने आप को पॉलिटिकल वो शोबाजी से मैंने दूर रखने का कोशिश किया है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपको लोग किसी डिफरेंट नज़र से देखें, आपको कुछ प्रायोरिटीज मिले जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ये सब आपको भी आम आदमी के जैसा रहना और उठना बैठना, लोगों से मिलना, लोग आपको अपने अपने इंडिविजुअलिटी में आपको जज करे, उस बेसिस में आपसे रिलेशनशिप फॉर्म करे, यही मेरा हमेशा चाह था। हाँ जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल यहाँ लास्ट में आऊँगी, क्योंकि आप खुद पॉलिटिशियन है, मांडर में आप चुकी विधायक बन चुकी है, पहला प्राथमिकता अभी फिलहाल आप क्या दे रही है? देखिए, प्राथमिकता तो काम तो हमारी शुरू हो चुकी है, कुछ ही दिन हुआ है मुझे शपथ लिए हुए, मगर कोरोना काल में जो भी हमारा सड़क का काम सब जो पेंडिंग था उसे हम एट वंस करने का कोशिश करें, काफ़ी सारा अनुशासन भी हो गया है, और पानी का इशू अभी भी है मगर उसमें थोड़ा हम बरसात के बाद थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि बोरवेल का काम अभी रेनी सीजन में नॉट आइडल, और फिर स्कूल निरीक्षण भी हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि हम एजुकेशन पे ही मैं आ रही थी, मैं आप इतनी पढ़ी लिखी वहाँ की गर्ल्स को आप कैसे करेंगे? बिल्कुल, हम देखिए पहली बात तो अभी ऑन अ फर्स्ट लेवल हम सारे स्कूल जितने भी कुछ स्कूल्स को हम आइडेंटिफाई करके रखे हैं, ये स्कूल हम विजिट कर रहे हैं, देखने चाह रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई हो रहा है, बच्चों के लिए क्या बेटर हो सकता है, और सिस्टम में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके कारण सरकार इतना पैसा देती है मगर लोगों तक, बच्चों तक उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ट्राइंग टू गेट टू द रूट ऑफ इट कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करें, और एक हम करियर काउंसलिंग भी हम बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, जिसके तहत अभी क्या है कि बच्चे को समझ में नहीं आता, वो बस साइंस ले लेते हैं, उन पे कैपेसिटी है, क्षमता है, नहीं है, उस चीज़ को नहीं समझते हैं वो, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप आर्ट्स लेके भी बहुत सारे चीज़ पढ़ सकते हैं, कॉमर्स लेके भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें प्लस टू में कॉमर्स है मगर आपके पास वहाँ पर दो बच्चे हैं, और दो बच्चों के कारण आपका एक रिसोर्स जा रहा है, टीचर्स हैं वहाँ पे, तो एक तरह से ये
लैकिंग है, तो हम इन सब चीज़ को मतलब एक तरीके से सिस्टम में लाने का कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम सपोर्ट नहीं कर रही है द्रौपदी मुर्मू जी को, क्या कहेंगे? आपको लगता है कांग्रेस के लिए मेजर सेटबैक है? सेटबैक तो ज़रूर है ऑनेस्टली, मगर देखिए कांग्रेस का यही ब्यूटी है, हम सेक्युलर पार्टी है, हम एक दूसरे का विचारधारा, हम जो आपका भाजपा है, जो ऑपोजिशन है, उससे यही चीज़ तो हमें डिफ्रेंशिएट करता है। हम लोग वी आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर बट वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंस। नेहा जी, झारखंड की महिला खासकर यंग महिला लड़कियों को लास्ट में क्या सलाह देगी अंतिम सलाह? मैं यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ पढ़ाई में फोकस करें, बहुत सारा कंपटीशन आ रहा है। इफ़ यू हैव द राइट एजुकेशन, राइट वैल्यू प्रिंसिपल्स आपके हैं, तो कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपने साफ तौर कर कहा, नेहा तिर्की ने कहा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, महिलाओं को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही इन्होंने बहुत अपने निजी चॉइसेस भी शेयर की हैं। और कांग्रेस को जेएमएम ने जो सपोर्ट किया द्रौपदी मुर्मू पे, इस पर भी कहा है कि कांग्रेस की यही तो खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है पार्टी में, हर तरह के विचार को शामिल करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। में शिखा अपनी सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।